किस्मत में आखिरकार ईशान और सवी का मिलना लिखा ही था और दोनों मिल गए। किस्मत यही चाहती थी कि ईशान और सवी की राहें एक हो जाए, और भले ही इन दोनों के नसीब में प्यार किसी और का आया, लेकिन जब बात आई शादी की तो दोनों के रास्ते एक हो गए। दोनों अब एक साथ हैं, एक ही चौराहे पर, और अब एक ही मंजिल की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। सवी और ईशान को अब ईशा मिलवाना चाहती है। सवी के साथ धोखा हो रहा था, उसका खुद का परिवार जो है उसके शादी ऐसे घर में कर रहा था जहां पर कभी भी उसे प्यार नहीं मिल पाता। वहीं ईशान ने प्यार में धोखा खाया। ईशान ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी में कई सालों बाद प्यार की वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसका प्यार उसे छोड़कर अपने सपने के पीछे चला गया। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि शो में बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब ईशा यानी कि ईशान की माँ कई सालों बाद वापस जाएगी भोसले निवास में, और इस बात को लेकर रिक्वेस्ट करती नजर आएगी कि वो चाहती है कि अब हो जाए उसकी शादी सवी के साथ। वो मिलन से कहेगी कि मैं आखिरी बार आपसे कुछ मांग रही हूँ और मैं जानती हूँ कि आप मेरी ये बात समझ पाएंगे। ईशान की शादी जो है मैं सवी के साथ करना चाहती हूँ। पहले तो ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा मिलन हैरान परेशान होगा, लेकिन कहेगा कि मुझे लगता है कि तुम अब फिर से गलती दोहरा रही हो। जिस पर ईशा कहेगी कि नहीं, मैं अपने बेटे का कभी गलत नहीं सोचूंगी, मैं हमेशा चाहूंगी कि उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छी लड़की आए, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि उसकी शादी जो है आप करवा दीजिए। तो एक बात तो है कि अब सवी और ईशान की शादी ईशा और मिलिंद ने करवा दी है। सवी नहीं जानती कि ईशा उसके लिए सब कुछ क्यों कर रही है। वो जानती है तो सिर्फ इतना कि ईशा उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। ईशान नहीं जानता कि ईशा सवी के साथ उसकी शादी क्यों करा रही है। अगर वो जानती है तो सिर्फ और सिर्फ इतना जानता है कि फिलहाल उसका दिल टूटा हुआ है और वो खुद भी अपने होश में नहीं। तो अब एक बड़ा ट्विस्ट सामने आने वाला है जहां पर इन दोनों की शादी होने वाली है। आप लोग कितना एक्साइटेड है इस टर्न एंड ट्विस्ट के लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।